नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समित सिंह गार्डन में। और आज एक मोस्ट अवेटेड पौधा, काफ़ी दिनों से जो है लोग इसकी तलाश में फिर रहे हैं। इसकी मैंने मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले एक वीडियो दी थी और बहुत ही बढ़िया लोगों को पसंद आया था। ये पौधा देखिए दोस्तों, क्या है ये पौधा, क्या है आखिर ये, पहचान रहे हैं आप? कई लोग इसको मेहंदी का बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं, लेकिन ये पौधा जो है दोस्तों, ये है पौधा रोज़मेरी। रोज़मेरी की मैंने जानकारी दी थी, रोज़मेरी क्या होता है। एक्चुअली इसकी खुशबू आप सूंघेंगे तो बिल्कुल गुलाब की खुशबू इनके पत्तों में से आएगी। एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग, कहने का मतलब एज के सिम्टम्स नहीं आने देता अगर इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है बॉडी में फ्री रेडिकल्स को निकालता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, बहुत सारे काम इसके अच्छे हैं, और हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ जो है, चाइयाँ हैं, वो नहीं आने देता। साथ ही साथ दोस्तों बताऊं कि ये इतनी सारी बीमारियों को ठीक करने वाला तो है ही है। जिनके बाल झड़ते हों, बाल लंबे ना होते हों और गंजापन आ रहा हो, वो इसके पत्तों को पीस करके और उसका जो अर्क है वो अपने सिर पे लगाएं, तो जो बाल झड़ गए वो भी उगेंगे और झड़ना रुक जाएगा, बाल लंबे भी होंगे। तो ये इतने सारे गुणों वाला पौधा जो है मिल नहीं रहा था। हमारा भी पीछे क्या हुआ था कि 150-200 पौधे ख़राब हो गए थे बरसात में, अब जा करके ये तैयार हुए हैं, अब अवेलेबल हैं। ये देखिए, क्योंकि बरसात में जो ख़राब हुए पत्ते काले पड़ गए तो वो हमने देना बंद कर दिया नहीं, अब ये नए सिरे से दोबारा तैयार हुई है, तो आप ये पौधा ले सकते हैं, अब अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले इसको लगाने की जानकारी और दे दूँ मैं कि किस तरह से लगाना है, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा जो है बहुत हल्की मिट्टी में चलता है, इतना औषधीय गुणों से भरपूर है। तो इसको लगाने के लिए अगर आपको जैसे चाय में यूज़ करना है, काढ़े में यूज़ करना है, हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली तो मैं और बताऊं इसकी खासियत, लेकिन उससे पहले लगा देता हूं एक खासियत और बताऊंगा मैं इसकी। तो उससे पहले लगाने के लिए हम गमले की बात करें तो गमला कम से कम जो है 10 इंची का गमला लें। 10 इंची का गमला इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो लगाने को 6 इंची 8 इंची में भी लगा लेते हैं, लेकिन 10 इंची का कहने का मतलब ये है कि ये पौधा जब है, आप हम इसकी पिंचिंग करेंगे लगाने के बाद, तो ये सारी ब्रांचेस फैलेंगी, ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं ये सारी ब्रांचेस फैलेंगी, पौधा घना होगा। क्योंकि इसके पत्ते इस्तेमाल करने हमने, तो पौधा जितना घना होगा उतने ज़्यादा पत्ते हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए हमारा 10 इंची का गमला होना चाहिए। 10 इंची का मिट्टी का गमला लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पौधा जो है वो परमानेंट है, कोई सीजनल प्लांट नहीं है, तो गर्मियों में भी रहना है आपके पास और सर्दियों में भी। तो अगर हम प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो गर्मियों में दिक्कत हो जाती है, वो हीट ट्रैप करता है और अंदर की मिट्टी गर्म हो जाती है, हीट होने से उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, बड़ी नाजुक होती हैं, देखिए बिल्कुल पतले पतले रूट्स होते हैं, तो ऐसे में पौधा मरने लग जाता है आपका। तो इसलिए चूज़ करें मिट्टी का गमला तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात आती है खाद की, खाद कौन सा डालें। खाद कोई भी मेडिसिनल प्लांट हो, यानी कहने का मतलब औषधीय पौधा है, तो उसके अंदर खाद ओरिजिनल होगा तभी उसके जो गुणवत्ता है, मेडिसिन की गुणवत्ता है, वो बहुत बढ़िया रहेगी। तो इसके लिए देखिए हम नीम खली डालते हैं, क्योंकि इसमें फंगस आने की समस्या हो जाती है कई बार, तो इसको हम नीम खली हमने डाला है। इस गमले में 4 मुट्ठी नीम खली डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि मिट्टी बिल्कुल रेडी है, तो 4 मुट्ठी हमने नीम खली डाली है इसके अंदर, और 4 से 6 मुट्ठी जो है ये लीफ कम्पोस्ट डाल दी है, 6 मुट्ठी लीफ कम्पोस्ट डाल दिया है, मिला दिया, ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी जो है इसकी स्ट्रेंथ के लिए, ये देखिए ये जो बाउंस बैक करता है, ऐसे बाउंस बैक के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स जो है ये स्टोन पाउडर या कैल्शियम पाउडर है, वो है। इसमें हमने 2 मुट्ठी से 3 मुट्ठी डालना है, साल में एक ही बार डालना है, बार बार डालने की ज़रूरत इस चीज़ की नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी जगह बोन मील यूज़ कर रहे हैं तो मैं नहीं कहता बोन मील के लिए, क्योंकि फंगस उसमें आती है और दिक्कत भी रहती है, तो आप इसको यूज़ करें इसकी जगह, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं इसको लगाने की विधि। ये लगाने की विधि देखिए, इस तरह से हमने निकाला और रूट से बिल्कुल ओतप्रोत है ये, रूट इसकी चल रही है, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही थी, तो हम सीधा सीधा इसको गमले में जगह बनाएंगे और इस तरह से लगाएंगे। कभी भी बहुत नीचे ना लगाएं, जहाँ तक इसकी रूट दिखाई दे रही हैं वहीं तक इसमें दबना चाहिए। तो ये लगाया, और इसको लगाने के बाद हम थोड़ी सी जो ये हमारी लीफ कंपोज है इसके आसे पासे में थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रह जाए। ये देखिए, तो इस तरह से हमने 2 मुट्ठी लीफ कंपोज और डाल दिया,
ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, ताकि ग्रोथ जो है हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद आप ध्यान रखिए कि मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे इसमें भी 2 इंची जगह खाली है तो 1/2 इंची जगह और हम मिट्टी से ऐसे भर देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा जगह खाली रखने का मतलब है कि ज़्यादा पानी आना पौधे में। ज़्यादा पानी आने से क्या होगा, पौधा फंगस का शिकार हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया इसमें पानी आपको कम रखना है। ये पौधा लग के तैयार है, हमारा 1 इंची का जगह जो हमने ये खाली छोड़ा है, उंगली की एक गांठ याद रखिए, ये मेजरमेंट है, उंगली की एक गांठ आपकी इतना छोड़िए जगह। अब इसमें पानी कितना डालेंगे हम, पानी लगभग 1 लीटर पानी हम इसके अंदर डाल देंगे जब हम लगा रहे हैं। तब ये देखिए ये 1 लीटर पानी हमने डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ताकि इसकी रूट जो है वो गीली हो जाए। लगा करके पूरे सनलाइट में रखिए, पूरे सनलाइट का पौधा है ये और फुल सनलाइट में ही होगा। इसकी खासियत ये है मरता नहीं है, कहने का मतलब सर्दी गर्मी इसको नहीं लगती है, सर्दी इफेक्ट नहीं करती, गर्मी इफेक्ट नहीं करती। गर्मी बल्कि बहुत ज़्यादा हो तो इफेक्ट कर जाती है हल्की, अदरवाइज पानी वानी दे रहे हैं तो गर्मी सर्दी में एकदम चलने वाला पौधा है। 12 महीने 30 दिन ये मेडिसिन आपको मिलेगा। और ये पत्ता नीचे का जो है आप तोड़ तोड़ के इसको चाय में, काढ़े में, या जो मैं बताने वाला था बता रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि रोजमेरी जो है इटालियन फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इटली के लोग इसको खाते हैं, और हमारे यहाँ जो 5-स्टार होटल्स हैं उसके अंदर वाइट फूड, कोई भी मतलब जो सब्जी है वाइट है तो उसके अंदर इसको डाला जाता है। और इसको डालते ही जो सब्जी है या जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी कीमत जो है कई गुना बढ़ जाती है। तो ये इतना कीमती है कि लोग रोजमेरी सुनते हैं लेकिन यूज़ बहुत कम लोगों ने, 5% लोग भी शायद यूज़ ना करते हों या ना जानते हों इसके बारे में। तो होटलों में इसका कुछ पत्ता डाल करके और सब्जी की, 200 रुपये वाली सब्जी की कीमत जो है वो 2000 की हो जाती है, क्योंकि रोजमेरी विद रोजमेरी, सर विद रोजमेरी, तो ये आ जाता है। ये है रोजमेरी, एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर पौधा। आज ही लगा लें अपने घर में और बच्चों को, घर को, पूरे परिवार को इसका इस्तेमाल कराएं, शरीर फिट दुरुस्त रहेगा आपका दोस्तों। तो ये पौधा हमारे पास अवेलेबल है, अब पहले स्टॉक में नहीं था क्योंकि ख़राब हो गया था बरसातों से। अब पिछले 2 महीनों से जो है इसको तैयार करके इस पोजीशन पे ले आए हैं, आप अब ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9996928517। ये देखिए इस तरह का पौधा आपको जो है लगभग 8-9 इंची का पौधा आपको तैयार मिलता। तो ये दोस्तों हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट है हमारी graceofgod.in। अगर किसी तरह का गार्डनिंग से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है sameersinghgarden.com, उस पर जाएंगे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो लोग बिगनर्स हैं इसमें वो लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं। बिगनर्स के लिए ABC ऑफ गार्डनिंग Part 1 Part 2 2 वीडियोज़ हैं हमारी, 2 लेक्चर 2 हैं, Part 1 Part 2, 1 के 3 पार्ट हैं 1 लेक्चर के, और उसको भी आप लेकर के गार्डनिंग के महागुरु बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।